आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम आपके लिए वायुमंडल की वीडियो लाए हुए हैं, जिसमें आपको पृथ्वी के बारे में बताएंगे उसमें क्या क्या है। आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब और लाइक कर लें और उसे आगे शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। लगभग 78% नाइट्रोजन पृथ्वी पर पाई जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। आर्गन की मात्रा लगभग 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इन इन अन्य गैसें इन सभी गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिसे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेते हैं, लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह लन बिगड़ जाता है, इसलिए हमें वृक्ष नहीं काटने चाहिए। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।